हेलो मम्मीज, वेलकम टू माय चैनल मम एंड डैड। सो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज मैं आपको कुछ बताने नहीं वाली हूँ, बल्कि मैं कुछ दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, इस कार्डबोर्ड से मैंने अपने बेबी के लिए ये बनाया हुआ है। वो बेबी ऑर्गेनाइजर इसको बोल सकते हैं बेसिकली, क्योंकि अभी मैंने घर शिफ्ट किया हुआ है तो मेरे पास ये से बहुत सारे कार्टन थे और मेरे बेबी के भी बहुत सारा सामान था, इतने टॉयज़ और सब कुछ। तो मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना इसको यूटिलाइज़ किया जाए और एक सुंदर सा इसका ऑर्गेनाइज बनाया जाए, जिसमें हम बेबी के बहुत सारा स्टफ स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हो, ये बहुत अच्छा लग रहा है और कोई भी प्रिंट इसमें यूज़ कर सकते हो और बेसिकली ऐसे खुल जाता है। ये देखिए, और मैं अपने बेबी के टॉयज इसमें रख रही थी। ये देखिए, सो इस तरह से मैं बनाऊंगी, एक दो और बनाऊंगी। सो अपने बेबीज़ के टॉयज में उसमें ऑर्गेनाइज़ करूंगी, और भी बेबी का बहुत सारा स्टफ आप इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, क्योंकि बेबी का इतना सारा स्टफ होता है, इतने सारे टॉयज, इतना सारा स्लीपर्स, इतना सारे शूज़, और भी बहुत कुछ। तो आप इस तरह की बनाकर एक के ऊपर एक बहुत सारी रखकर आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने ये कैसे बनाया है। कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड, पेपर, आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, किसी भी प्रिंट का जो बेबी से हो। मैं बेबी कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। टेप, वन सीज़र, और ये हमें चाहिए रबड़ बैंड और एक कार्डबोर्ड को लॉक करने के लिए इस टाइप का कुछ भी ड्रॉपर। तो चलिए
सो आपने देखा कि ये मैंने कैसे बनाया और कैसे यूटिलाइज़ किया है स्पेस को और सामान को जो मेरे पास था। आप भी ऐसा कर सकते हो और भी क्रिएटिव आप बना सकते हो और सुंदर बना सकते हो, उसके अंदर आप लगा सकते हो और जो चाहो आप वो रख सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारे पेरेंट्स को शेयर कीजिएगा जिससे उनके भी हेल्प हो सके। और बेल आइकन को हिट कीजिएगा मेरे नए वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू, बाय बाय।